आप सभी का दोस्तों फिर एक बार स्वागत है हमारी कंपनी A1 मशीनरीज में। दोस्तों काफी सारे लोग हमें ये पूछ रहे थे कि सर बारिश का मौसम शुरू हो चुका है, बारिश के मौसम में कौन सा बिजनेस शुरू किया जाए। काफी सारे यूट्यूबर्स ये बता रहे हैं कि माल खरीदो बेचो हम खरीदेंगे, ऐसे कुछ भी करके फ्रॉड कर रहे हैं, तो हमें कौन सा बिजनेस इस बारिश के मौसम में शुरू करना चाहिए। तो दोस्तों आज आपके लिए एक मशीन लेकर के आया हूं छोटी सी, जिसको खरीद करके अब आप इस बारिश के मौसम में खुद का एक छोटा सा उद्योग धंधा शुरू कर सकते हो। और ज्यादा नहीं बताऊंगा, जो कंपनियां इंडिया में हैं वो बताते हैं कि महीने का 50,000 कमाओगे, 60, 70, 80, 90,000 रुपए कमाओगे, 1 से 2 लाख कमाओगे, कुछ भी आपको बता करके मशीन एक बार पकड़ा देंगे, फिर आपको वो बिजनेस नहीं चलेगा। लेकिन आज आपके लिए ये जो मशीन लेकर के आया हूं छोटी सी, इस मशीन से दोस्तों अगर आप थोड़ी सी अगर मेहनत करोगे तो दोस्तों आप दिन के 1,000 रुपए की कमाई बड़े आसानी से कर सकते हो। दोस्तों आज की डेट में 1,000 रुपए कमाने के लिए आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है दोस्तों। सुबह से शाम तक आपको लोगों के यहां पर काम करना पड़ता है, तब जाकर के दोस्तों आप 1,000 भी नहीं कमा पाते, आपको सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए मिलते हैं। ऐसे ही दोस्तों ये मशीन है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत करोगे तो दोस्तों ये मशीन आपको 1,000 रुपए की कमाई करके दे सकती है। अब A1 मशीन है, इस कंपनी ने इस मशीन को लॉन्च किया है दोस्तों। ये देखिए ये छोटी सी मशीन है, इसकी साइज भी मैं आपको उठा करके बता देता हूं। इस मशीन को दोस्तों आप बड़े आसानी से कहीं पर भी लगा सकते हो, अपने गांव में लगा सकते हो, अपने शहर में लगा सकते हो दोस्तों। इसको आप बस स्टैंड पर लगा सकते हो, रेलवे स्टेशन पर लगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों इस मशीन से जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो ना, वो प्रोडक्ट चाहे बस स्टैंड हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कॉलेज के बाहर हो, चाहे फिर दोस्तों मॉल्स के अंदर हो, हर एक जगह पर इस मशीन से बनाया गया प्रोडक्ट बिकता है। और दोस्तों जितने भी लोगों ने इस मशीन को खरीद करके बिजनेस शुरू किया इस बारिश के मौसम में, वो लोग हमसे कह रहे थे कि सर हमने आपकी मशीन को खरीद करके बिजनेस शुरू किया और दूसरे दिन से ही हमारा ये बिजनेस चलने लगा है और दूसरे दिन से ही हमारी कमाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि दोस्तों इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट हर एक जगह पर बिकता ही बिकता है और हर एक इंसान खरीद करके खाता है, लोगों को पसंद है वो प्रोडक्ट, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट भी दोस्तों ये मशीन बना करके देती है। और मशीन अगर आप देखोगे छोटी सी मशीन है, स्टेनलेस स्टील से बनाई गई है, बढ़िया फिनिशिंग के साथ में है। इस मशीन के साथ में दोस्तों आपको एक बैटरी चार्जर भी बिल्कुल फ्री मिलता है, जिससे आप इस मशीन को बड़े इजी ऑपरेट कर सकते हो। और दोस्तों ये मशीन चलती है गैस पर, तो ये देखिए ऐसे आपको 5 kg का सिलेंडर इस मशीन के साथ में ऐसे अटैच कर लेना है, ये मशीन आपकी स्टार्ट हो जाएगी जी। बाकी आपको कुछ खरीदने वगैरह की जरूरत नहीं है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, इस मशीन से जो प्रोडक्ट आप बनाने वाले हो वो प्रोडक्ट भी आप बड़े आसानी से बना सकते हो। अपने घर में जो आप खाना बनाने के लिए चीजें यूज करते हो, वही चीज यूज करके दोस्तों आप इस मशीन से प्रोडक्ट बना सकते हो। और दोस्तों इसकी पूरी जानकारी दूंगा मैं कि इस बिजनेस के अंदर आप कैसे पैसे कमाने वाले हो, कैसे मार्केटिंग करना है, इस मशीन से जो प्रोडक्ट बनने वाला है वो प्रोडक्ट आपको किस तरीके से बनाना है, क्या क्या चीजें आपको लगेगी, ये पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में। आप आखिर तक जरूर बने रहे, अगर आप इस वीडियो को छोड़ करके जाओगे तो दोस्तों आप एक ऐसा बिजनेस आइडिया छोड़ रहे हो जो आपको महीने के 30,000 रुपए की कमाई करके देगा। ये तो स्टार्टिंग बता रहा हूं, अगर आप इसके अंदर ज्यादा मेहनत करोगे तो आप 50 से 60,000 रुपए की कमाई भी बड़े आसानी से कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है दोस्तों कि आपको इसके अंदर मेहनत करना होगा, जोश जुनून से दोस्तों आपको इस बिजनेस को करना होगा। और बारिश के बाद दोस्तों ठंडी का मौसम है, ठंडी के अंदर भी ये बिजनेस काफी ज्यादा चलता है। इस मशीन से बनाया गया प्रोडक्ट बारिश में भी बिकता है और ठंडी के अंदर भी बिकता है, तो आप धूम धड़ाके से दोस्तों इस मशीन से अपने अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो। तो चलिए इस मशीन को कैसे ऑन करना है और इस मशीन से कौन सा प्रोडक्ट आपको बनाना है, प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मैं आपको लाइव डेमो करके बता देता हूं। तो दोस्तों सबसे पहले इस मशीन को ऑन करना है, तो ऑन करने के लिए देखिए ये 2 पार्ट में बनाई गई मशीन है, तो सबसे पहले इस बाउल को आपको ऐसे आगे की ओर झुका देना है। देखिए अब ये मशीन कुछ इस तरीके से हो चुकी है, उसके बाद यहाँ से रेगुलेटर को थोड़ा सा हल्का सा ऑन कर देना है और लाइटर की मदद से दोस्तों इस मशीन को ऐसे ऑन कर देना है। अब ये देखिए ये हमारा गैस ऑन हो चुका है और मशीन हमारी चालू हो चुकी है। अब यहाँ से दोस्तों इस गैस को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हो। ये हमारी मशीन ऑन हो चुकी है। अब चलिए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें लेना है आपके घर में, जो खाना बनाने के लिए आप यूज़ करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ।
अब यहां पर देखिए आपको तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले ऑयल की दोस्तों आपको जरूरत पड़ने वाली है, उसके बाद आपको हल्दी की जरूरत पड़ेगी और उसके बाद आपको नमक की जरूरत पड़ेगी। एक चीज आपको खरीदना है दोस्तों सिर्फ बाहर से, और वो है दोस्तों इस तरीके की मकई। देखिए ये मकई का पैकेट है, तो ऐसे दोस्तों आपको सिर्फ मकई खरीद करके लाना है बाहर से, बाकी आपको कुछ खरीदने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले एक गिलास के अंदर आपको ऐसे मकई ले लेना है। अब ये देखिए ये हमने इसके अंदर मकई ले लिए। उसके बाद दोस्तों आपको एक चम्मच डालना है ऑयल। अब ये देखिए ये हमने एक चम्मच ऑयल डाल दिया। उसके बाद आपको इसके अंदर डालना है एक चम्मच नमक। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो, और हल्दी भी दोस्तों अपने हिसाब से आपको डाल देना है, और इसको दोस्तों अच्छी तरीके से आपको मिक्स कर लेना है। ऐसे आपको मिक्स कर देना ये सारा, देखिए। और आगे इसको क्या करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, वीडियो में बने रहे। सबसे पहले दोस्तों इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है, क्योंकि ये प्रोडक्ट बहुत ही बढ़िया बनने वाला है। तो जब तक आप इसको अच्छी तरीके से मिक्स नहीं करोगे तो ये ठीक से बनेगा नहीं। तो आपको एकदम बढ़िया तरीके से इसको मिक्स कर देना है। अब देखिए ये हमारा सारा कुछ मिक्स हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों मशीन के ओर आ जाइए। अब यहाँ पर देखिए ये मशीन हमने ऑन करके रख दी थी, तो यहाँ पर ये इस तरीके से इसके ऊपर का कैप आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आपको ये मकई डाल देना है। ये इस तरीके से दोस्तों आपको ये सारे मकई इसके अंदर डाल देना है। अब देखिए ये हमने सारे के सारे मकई इस मशीन के बाउल के अंदर डाल दिए हैं। अब आगे दोस्तों मशीन के बैक साइड में आ जाइए, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर पीछे के साइड में एक आपको स्विच मिलता है, इसको ऐसे ऑन कर लेना है, और यहाँ पर इसको ऐसे ऊपर के साइड कर देना है। तो मशीन के बाउल के अंदर दोस्तों जो मिक्सर है, जो आपके मकई को मिक्स करेगा, जलने नहीं देगा, वो आपका घूमने लगेगा, और दोस्तों 2 से 3 मिनट के अंदर हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन करके रेडी हो जाएगा। इसको इस तरीके से बंद कर देना है। देखिए अब सिर्फ आपको 1 से 2 मिनट रुकना है, आपका प्रोडक्ट बन करके रेडी हो जाएगा। अब दोस्तों हमारे 2 मिनट हो चुके हैं, और फाइनल प्रोडक्ट दोस्तों हमारा बन करके रेडी हो चुका है। देखिए अब इसको कैप को ऐसे ओपन कर लेना है आपको, और ये देखिए ये हमारा दोस्तों फाइनल प्रोडक्ट इस मशीन ने बना करके रेडी कर लिया है, और ऑटोमेटिक मशीन के बाउल से दोस्तों बाहर निकल रहा है। अब देखिए आप काफी सारे लोगों को पता भी चल चुका होगा कि ये दोस्तों गर्मा गर्म पॉपकॉर्न है। देखिए इतने बढ़िया क्वालिटी के पॉपकॉर्न दोस्तों इस मशीन से बना सकते हो। यहाँ पर देखिए कैसे मशीन काम कर रही है, छोटी सी मशीन है, आप सिर्फ देखते रहिए। ऐसे दोस्तों आप इस मशीन से काम कर सकते हो, कुछ करना नहीं है आपको, हाथ में वगैरह पकड़ने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये मशीन काम करती है। देखिए और ढीग लग चुका है दोस्तों, यहाँ पर पूरा ढेर लग चुका है। देखिए इतने सारे पॉपकॉर्न हमारे बन करके रेडी हो चुके हैं। देखिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मशीन खरीद करके आपको इस बारिश के मौसम में बिजनेस शुरू करना है। ये मशीन आपको दिन का 2 से 3 हजार रुपए की कमाई करके देगी, गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। और किस तरीके से मशीन काम कर रही है दोस्तों आप खुद देखिए। ऐसे दोस्तों आप इस मशीन से काम कर सकते हो। यहाँ पर देखिए इतने सारे पॉपकॉर्न हमारे बन चुके हैं दोस्तों, कितने बढ़िया क्वालिटी के हैं आप खुद देख सकते हो, और बिल्कुल भी एक भी पॉपकॉर्न दोस्तों हमारा बचा नहीं है, और एक भी पॉपकॉर्न हमारा जला भी नहीं है। देखिए अब देखिए सारे हमारे पॉपकॉर्न बन करके रेडी हो चुके हैं। आपको गैस को यहाँ से ऐसे बंद कर देना है, अब ये हमारा गैस बंद हो चुका है। उसके बाद मशीन के अंदर का आपको बंद कर देना है। देखिए ये हमारी मशीन बंद हो चुकी है। उसके बाद आपको ऐसे पकड़ करके इस हैंडल से इस सारे पॉपकॉर्न निकाल लेना है। ये देखिए ये हमारे सारे के सारे दोस्तों बढ़िया, एकदम बढ़िया क्वालिटी के पॉपकॉर्न दोस्तों मार्केट में बिकने के लिए रेडी हो चुके हैं। अब चलिए इसको मार्केट में बेचोगे कैसे आप, और इसको बेचने के बाद कितना मुनाफा होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। अब दोस्तों इसको मार्केट में बेचना बहुत ही आसान है, एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। ये देखिए ये जो कोन आप देख रहे हो, ऐसे कोन आपको खरीदना है, और ऐसे कोन दोस्तों आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। ये प्रिंटेड कोन आप अपने नाम के भी बना सकते हो। उसके बाद आपको ऐसे पॉपकॉर्न इसके अंदर भर देना है। अब ये हमने कोन के अंदर पॉपकॉर्न भर दिए, अब ये कस्टमर को देने के लिए रेडी है, और ये कोन आप मार्केट में कस्टमर को 20 रुपए में दे सकते हो, बनकर के रेडी होता है मात्र 6 से 7 रुपए में, यानी कि पर कोन के पीछे आप 13 से 14 रुपए का मुनाफा बड़े आसानी से कमा सकते हो। लोग दोस्तों 20 रुपए में बड़े आसानी से सेल कर रहे हैं, अगर आप 15 रुपए में भी दे दोगे तो दोस्तों आपको
₹7 का मुनाफा पर कोन के पीछे बचता है। ऐसे दोस्तों आप इस बारिश के मौसम में मार्केट एरिया में इस मशीन को लगा करके, आप दोस्तों अपने गांव में लगा करके, आप दोस्तों हिल स्टेशन पर लगा करके, आप कॉलेज के बाहर लगा सकते हो, हर एक जगह पर दोस्तों आप इस मशीन को लगा करके, और मेन बात बस स्टैंड पर भी अगर आप इस मशीन को लगाओगे तो दोस्तों आप दिन के 2 से 3 हजार रुपए इजी कमा सकते हो। जी हाँ, बगैर मेहनत करेंगे आप पैसे कमा सकते हो, बहुत ही आसान धंधा है। तो दोस्तों अगर आपको ये बिजनेस शुरू करना है, इस मशीन को मंगवाना है और कुछ भी जानकारी लेना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। मशीन की प्राइस दोस्तों बहुत ही सस्ते रेट में आपको मशीन मिलने वाली है। अगर आपको इसकी प्राइस जानना है और बिजनेस को शुरू करना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करके इसकी प्राइस जान सकते हो और इस मशीन को बुक कर सकते हो। बुक करने के लिए जितनी भी इसकी कीमत होगी आपको उसके थोड़ा सा एडवांस बुकिंग अमाउंट देना है कंपनी के करंट अकाउंट में, और बाकी का पेमेंट आप कैश ऑन डिलीवरी कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का बिजनेस आइडिया आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो दोस्तों तो ऐसे नए बिजनेस आइडियाज के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।